तो ये लाइव तस्वीरें पानीपत के सेक्टर 25 से आप लोगों को दिखा रहे हैं। आर्य सुरेश मलिक जो हल्का पानीपत ग्रामीण के नेता हैं, वो तिरंगा यात्रा आज निकाल रहे हैं। पूरा देश आज 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहा है, और इसकी लाइव तस्वीरें आज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पानीपत के सेक्टर 25 से आपको ये लाइव तस्वीरें जो हैं दिखा रहे हैं आर्य सुरेश मलिक। आप देख सकते हैं तिरंगा हाथों में लेकर आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे पूरा काफिला जो है वो चल रहा है। तस्वीरें आपको सेक्टर 25 से दिखा रहे हैं। आज पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस जो है मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री जहां लाल किले पर झंडा लहरा है, और यहां आर्य सुरेश मलिक हाथ में तिरंगा लेकर आज पूरे ग्रामीण में जो है घूमेंगे। उनके पीछे पीछे आप देख सकते हैं पूरा एक कारों का काफिला जो है वो चल रहा है, और तिरंगा यात्रा जो है यहाँ से शुरू हो चुकी है, और पूरे ग्रामीण हल्के में ये तिरंगा यात्रा जो है चलेगी। आप तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग ले रहा है और घर बैठे टीवी पर लाइव जो है ये देख भी रहा है। और इसी के तहत आज एक तिरंगा यात्रा जो है पूरी ग्रामीण हल्के में सुरेश मलिक जो है निकाल रहे हैं। तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें। पूरा लंबा काफिला जो है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कारों का काफिला है, और पूरे ग्रामीण हल्के में ये काफिला जो है जाएगा, घूमेगा, और लोगों को एक देशभक्ति की जो भावना है वो जगाने की कोशिश जो है जरूर होती है ऐसे कार्यक्रमों के प्रति, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं तो देश के प्रति जो मान जो सम्मान है वो जरूर एक बार उभर कर सामने आता है। तो तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें। पानीपत के ग्रामीण हल्के से यानी कि सेक्टर 25 से आपको ये तस्वीरें जो हैं दिखा रहे हैं। तस्वीरें शेयर करना ना भूले। देखिए पूरा लंबा जो काफिला है वो काफिला हम लोग दिखा रहे हैं। ये काफिला सेक्टर 25 से शुरू होकर पूरे ग्रामीण में होता हुआ TDI में इसका जो है समापन होगा। आप देख सकते हैं हर कोई जो है हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, और तिरंगे की ये तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे समाज के पृष्ठभूमि से करते हैं, राष्ट्रीयता की भावना से वो प्रोत्साह रहे, राष्ट्र को सर्वोपरि माना, और मुझे लगता है ये राष्ट्रीय उत्सव है स्वतंत्रता दिवस, और ये कोई आसानी से नहीं। आप बल्ली बांधे परिचित हो, अनेकों अनेक लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत दी, उसके बाद ये मिला, तो ये भावना बनी रहे आने वाली पीढ़ी में भी और हमारे में भी बनी रहे, तो उसके लिए तिरंगा यात्रा गया। तिरंगा इस देश के आन बान और शान है। इस तिरंगे को फहराने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। हम चाहते हैं कि हम भी अपना कर्म पूरा करें। ये भरा नहीं जो भाव से बहते, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं पत्थर, वो जिसमें देश के लिए प्यार नहीं, तो निश्चित तौर पर यदि इसमें देश के विषय जोश नहीं आएगा तो लगता खून का पानी हो गया। यहाँ से हम निकल करके सीधा नांगलखेड़ी से विकास नगर होते हुए गांव सिवा में, सिवा से दीवाना, दीवाना से बुड़श्याम, बुड़श्याम से अड़ताड़ी, अड़ताड़ी से डार, डार से महराणा, महराणा से पिंजुल, पिंजुल से चाटल, चाटल से सोदापुर, सोदापुर से कड़ी, सिकंदरपुर से गांव काबड़ी से TDI में लंच करेंगे। बचपन से इस मामले में आप सबसे आगे अपना रहने का फर्ज किया है, और एक भावना वैसे, मैं तो जब 6ठी 7वीं क्लास में था अखबार पढ़ा करता था, और कारगिल युद्ध भी जब बाद में हुआ तो अखबार पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जा करते थे। तो ये पार्टियों का विषय होना चाहिए ना, पार्टी ने किस बात के लिए क्लेम करना चाहिए। राष्ट्रीय भावना आप में, हमें सब में है, और सब में होनी चाहिए। आज का प्रोग्राम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भाई आर्य सुरेश मलिक जी द्वारा रखा गया है। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होने जा रहा है, और पानीपत ग्रामीण में पहली बार सबसे लंबे काफिले के साथ हम तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। सुरेश मलिक तो बहुत अच्छे इंसान है, मिलनसार है, ये समाज सेवा में हमेशा बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं, और इनके अंदर एक आत्मविश्वास रहता है किसी भी यात्रा के लिए, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो किसी प्रकार की यात्रा।